क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है कि सर लीड्स नहीं आ रही, लीड जनरेशन कैसे करें? तो आज के बाद आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर से आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं वो पूरे YouTube पे किसी ने बताई नहीं होगी। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको लीड्स की कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्पिंग ब्रदर्स की तरफ से आज के इस यूनिक वीडियो में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले यूनिक मेथड का नाम है अल्टीमेट फॉलो ट्रिक। इस ट्रिक में आपको बस एक ही काम बार बार रिपीट करना है। तो आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है मोटिवेशनल पेजेस, बिजनेस पेजेस, वैसे तो आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बहुत बड़े बड़े पेजेस को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स इन बड़े बड़े पेजेस को टारगेट करते रहते हैं। इसलिए आपको छोटे छोटे पेजेस पर ही जाना है। आप एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड नीच के पेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, लाइक आप सेल्स के पेज को टारगेट करो, मार्केटिंग के पेजेस को टारगेट कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज के पेज को टारगेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पेजेस को टारगेट करो। तो आपको क्या करना है, उन पेजेस के रिसेंट पोस्ट पे जाना है और वहाँ पे आपको लाइक्स में जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कुछ ही समय पहले एक्टिव थे। तो अब आपको इसमें से ऐसे लोग ढूंढने हैं जो हमारे बिजनेस के काबिल हो। मतलब आपको ना यहाँ पे सब लोगों की प्रोफाइल चेक करनी है, मतलब आपको ये चेक करना है कि इनके प्रोफाइल पिक्चर अपडेटेड है कि नहीं, इन्होंने कुछ पोस्ट डाले हैं कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है और उन लोगों को फॉलो करना है। आपको हर 2 घंटे में 30 लोगों को फॉलो करना है, या फिर आप 50 लोगों को फॉलो करो, उसके बाद 4 घंटे बाद फिर से 50 लोगों को फॉलो करो। ऐसे आप 4 घंटे में 50 लोगों को फॉलो करो, इससे क्या होगा, आपको एक्शन ब्लॉक की दिक्कत नहीं आएगी और आप ज़्यादा लोगों तक रीच भी कर पाओगे। अब बहुत लोग यह कहेंगे अगर हम इतने फॉलो करेंगे तो हमारी प्रोफाइल बहुत बुरी लगेगी, बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि लोग नंबर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे फॉलोअर्स इतने होने चाहिए, उतने फॉलोअर्स होने चाहिए। ये नंबर्स मैटर नहीं करता, कुछ नहीं होता इन नंबर से, आपको बस ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को प्रमोट करना ही। या तो फिर आप लोगों तक जाओ या फिर लोग आपके पास आएंगे। तो आपको दिन में एवरेज 200 लोगों को फॉलो करना है, तो उस 200 में से लगभग 20 से 30 लोग आपको फॉलो बैक करेंगे या फिर उससे भी कम लोग शायद आपको फॉलो बैक करेंगे। तो फिर जो लोग आपको फॉलो बैक करेंगे उनको आपकी स्टोरीज, पोस्ट, रील्स रेगुलर बेसिस पर दिखेंगे और वो लोग अट्रैक्ट होकर आपसे बिजनेस के बारे में 100% पूछेंगे। तो आप इस मेथड को डेली ट्राई कर सकते हो या फिर 2 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हो। यही थी हमारी पर्सनल ट्रिक जिससे आप फॉलो करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। दूसरी मेथड है DM यानी डायरेक्ट मैसेजेस। अब इस वाली मेथड में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं जिसके कारण DM करने के बाद भी लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। हमने भी ये सेम गलती करी थी, इसलिए हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की, प्रॉपर तरीके से समझा, तब जाकर ये मेथड काम कर गए। जैसे हमने पहले मेथड में बताया है कि आपको छोटे छोटे पेजेस को टारगेट करना है, ना कि बड़े पेजेस को, और उन छोटे पेजेस की जो भी रिसेंट पोस्ट रहेगी उस पे जिन लोगों ने लाइक किया है उन सारे लोगों को आपको मैसेजेस नहीं भेजना है। आपको सबसे पहले उनकी प्रोफाइल विजिट करनी है और अच्छे से चेक करनी है क्या वो रेगुलर इंस्टाग्राम पे है कि नहीं। फिर आपको उनको DM करना है, लाइक हाय शुभम, हम दोनों सेम पेज को फॉलो करते हैं और हमारी पसंद कहीं ना कहीं सेम है, तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो और होपफुली आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब जैसे ही वो आपका मैसेज सीन करते हैं वो डायरेक्टली आपके प्रोफाइल को चेक करेंगे, इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनानी होगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हाइलाइट्स होने चाहिए, आपकी बायो अच्छे से लिखी होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको जज करके ही आपको रिप्लाई करेंगे, इसलिए प्रोफाइल अच्छी बनाओ। अब आपको ना बस 10-12 लोगों को ही मैसेज नहीं करना है, आपको डेली के 100 लोगों को मैसेज करना है, तब जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। जब आप अपने काम के नंबर्स बढ़ाओगे तब आपको रिजल्ट आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको डेली कम से कम 100 लोगों को मैसेज करो और ये देखो कि कितने लोग आपका मैसेज सीन करते हैं, कितने लोग मैसेज सीन करने के बाद रिप्लाई देते हैं और कितने लोग रिप्लाई करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं और फाइनल में कितने लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये नंबर आपका बढ़ता होना चाहिए, जितने लोगों तक आप पहुँचते हो उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तीसरा मेथड है रील्स।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा रील्स अपलोड करनी है और रील्स में भी आप कोशिश करो कि खुद का चेहरा दिखना चाहिए। भले आपको अच्छे से बोलना नहीं आता, पर बस आप एक्शन करके कैप्शन लिख के रील्स बना सकते हो। रील्स बनाने से आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होती है और आपके रिजल्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हमारी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यही आज की बेस्ट मेथड्स थी जो पर्सनली हमें बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, और ये सारी मेथड्स इतने डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताता। प्लीज़ इन मेथड को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये सारी मेथड समझ आ गई होंगी, और कौन सी मेथड आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लेट्स लर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।